प्रीतम के पास एक गाय थी जो आधी रात में भूख से व्याकुल होकर आवाजें निकाल रही थी। तभी नींद से उठकर प्रीतम आता है और गाय को डंडी मारता है और बोलता है, क्या है, शोर क्यों मचा रही है इतनी देर रात को माँ 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 करके। गाय आवाज निकाल कर फिर से माँ माँ करती है और अपने सिंग से उसके पेट में मारती है। तब प्रीतम को और गुस्सा आता है, जिसके बाद वो छड़ी मार मार कर गाय को जख्मी कर देता है। तभी अचानक से बहुत तेज आंधी चलती है और चुड़ैल आकर प्रीतम की गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मासूम गाय को इस तरह मारने की? क्या तुझे शर्म नहीं आती एक बेजुबान जानवर पर हाथ उठाते हुए? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने इस गाय को जख्मी कैसे किया है? चुड़ैल, अरे कोई बचाओ, मेरी जान खतरे में, चुड़ैल आ गई। कोई नहीं बचाएगा तुझे, यहाँ मार डालूंगी अब मैं तुझे। वो चुड़ैल उसी छड़ी से प्रीतम को इतना मारती है कि उसके कुर्ते के साथ कमर भी लाल हो जाती है और चुड़ैल पटक पटक कर प्रीतम को जान से मार डालती है। फिर उस भूखी गाय को चारा खिलाकर कहती है, लो जी भर कर खाओ और अपना ध्यान रखना, ऐसे आदमी तुम्हें परेशान करे तो उसे अपने सींग से मार डालना। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर वो चुड़ैल चली जाती है। ऐसे ही फिर किसी दिन उसे गाय के रोने की आवाज सुनाई देती है। जहाँ वो पहुँच जाती है और देखती है कि वो गाय बेहद कमजोर और चोट खाए रो रही है। तभी उस गाय के सिर पर वो सहलाकर चुड़ैल कहती है, ओह प्यारी गाय, तुम्हें तो तुम्हारे मालिक ने बहुत मारा है, अब देखना मैं उसका क्या हश्र करूंगी। उसे भी मैं तुम्हारी तरह लाचार, बेबस, ना उठने लायक बना दूंगी। ये बोलते ही वो चुड़ैल उस गाय को पानी पिलाती है, चारा खिलाती है। फिर वो गाय अपना सिर चुड़ैल से चिपका कर सहलाती है, चुड़ैल को प्यार करती है। ये देखकर चुड़ैल की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी उस गाय का मालिक हाथ में डंडा लिए आता है और कहता है, क्यों रे, तूने आज भी दूध नहीं दिया ना? तुझे मैं जब तक अच्छे से मारूंगा नहीं तब तक तू ठीक से दूध भी नहीं देगी और ना मैं बहुत अमीर बन पाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूँ तुझे कैसे लाइन पर लाना है। ये कहते ही वो मालिक जैसे उस गाय को मारने के लिए हाथ उठाता है, तभी चुड़ैल उसका हाथ पकड़कर डंडी तोड़ देती है और कहती है, बहुत शौक है तुझे बेजुबान जानवरों को मारने का? अरे जब तक तू उसका ख्याल नहीं रखेगा, उसे चारा नहीं खिलाएगा, वो दूध कैसे देगी? कमजोर गाय तुझे ना दूध देगी और ना सम्मान देगी। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ये बोलकर वो चुड़ैल उसे बेरहमी के साथ पटक देती है, छड़ी से मारती है और फिर उसके शरीर के टुकड़े करके उसे मार डालती है। कुछ दिन बाद चुड़ैल को एक जाना पहचाना शख्स मिलता है। उसके सामने आकर चुड़ैल गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, बिरजू इस समय तू कहाँ जा रहा है? तुझे तो भगवान के पास ऊपर होना चाहिए था। गौरी, तुम वापस कैसे आ सकती हो? तुझे मैं जिंदा नहीं देख सकती, इसीलिए तुझे मारने ही वापस आई हूँ। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। गौरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुझे जिंदा छोड़ दूँ? तुझे जब मैंने यही बोला था तो क्या तूने मुझे जिंदा छोड़ा था? नहीं ना, तो अब तू भी मर। ऐसा कहते ही चुड़ैल उसके सिर को धड़ से अलग कर देती है और बेरहमी के साथ मार डालती है, जिसके बाद चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। ये करके इन सब को मार डालूंगी, अपना बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। ऐसे वो चुड़ैल दो इंसानों को मारकर उनसे अपना बदला ले लेती है। वहीं चुड़ैल अपने गाँव में गायों के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक नशे में आदमी गाय को मार रहा है। ये देखकर चुड़ैल उसे मारने लगती है। मत मारो मुझे, चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे सुनीता बचा लो मुझे। तूने इस गाय को परेशान कर अपनी मौत को दावत दी है, अब तू मरेगा। चुड़ैल के इतना कहते ही उस आदमी की पत्नी चुड़ैल के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। प्लीज प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो उन्होंने नशे में गाय को मार दिया था गलती से, वैसे वो गाय का बहुत ख्याल रखते हैं, प्लीज उन्हें छोड़ दो, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे तुम तो गौरी हो ना? सुनीता, तू इसकी पत्नी है? हाँ मैं उनकी पत्नी हूँ,
पर तुम चुड़ैल कैसे बन गई? ये हालत तुम्हारी किसने की? हे कहानी, जिसमें तुम्हारा पति भी शामिल है, मैं बताती हूँ तुम्हें। कुछ महीने पहले की बात है, मैं अपने पति के साथ इस गांव में एक छोटी गैया के साथ रहने आई थी, जिसके बाद कुछ समय में 3-4 गाय हो गई, जो बहुत अच्छा और काढ़ा दूध देती थी। उसी की बदौलत हमने दिन रात मेहनत करके दूध बेचने का काम खोला, जिससे हमारी धीरे धीरे गरीबी मिट गई और पैसा आने लगा। ये देखकर आसपास के लोग हमसे जलने लग गए। वहीं उसी बीच मेरे पति गंभीर बीमारी में चल बसे, मैं अकेली हो गई। तभी एक दिन बीमा मेरे पास आया और बोला, गौरी तुम पर इतनी सारी गाय है और तुम धनी भी हो और अकेले कैसे संभालती होगी, इसलिए मैं तुम्हारी परेशानी को कम करना चाहता हूँ। तुम मुझे अपनी एक गाय बेच दो, तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा। ये कैसी बात कर रहे हैं? हमारी रोजी रोटी का हम सौदा नहीं कर सकते, माफ कीजिए पर हमारी गाय बिकाऊ नहीं है। गौरी की ये बात सुनकर भीमा गुस्से से चला जाता है और फिर अपने लोगों से बोलता है, इस गौरी को बहुत घमंड है ना अपने पैसों पर, अपनी गाय पर। अब इसे मारकर हम इसके पैसे भी हड़प लेंगे और इसकी गाय भी। ये बोलकर भीमा अपने 2-4 दोस्त, जिसमें सुनीता का पति और बिरजू प्रीतम भी होता है, वो गौरी को अकेला देखकर चाकू घोंपकर मार डालता है और उसकी गाय को आपस में एक एक करके बांट लेते हैं। बस तब से ही मरने के बाद इनसे बदला लेने के लिए मेरी आत्मा भटक रही है, और जब मैंने इन्हें गायों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसकी जान ले ली। यही मैं तुम्हारे पति के साथ करने वाली थी, पर तुम मेरी दोस्त हो और मुझे पूरा भरोसा है तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकती हो, इसीलिए तुम्हारे पति को छोड़ रही हूँ। अभी भी मुझे अपनी एक गाय नहीं मिल रही, जो कि कुछ महीने पहले से गर्भवती थी। मैं जानती हूँ वो गर्भवती गाय कहाँ है, मैं लेकर चलती हूँ तुम्हें उसके पास। सुनीता की बात सुनकर चुड़ैल 2-4 घर छोड़कर अपनी गर्भवती गाय के पास पहुँच जाती है, जहाँ उसकी हालत बेहद नाजुक और मरने जैसी थी, शायद वो बच्चा जन्म देने वाली थी। उसकी ये हालत देखकर चुड़ैल और सुनीता उस गाय को भरी बारिश में किसी तरह से एक ठेले पर लेकर गौशाला अस्पताल पहुंचती हैं, जहां डॉक्टर सो रहा था। तभी सुनीता उसको जगाती है तो वो कहता है, अरे जाओ सोने दो रे, लगता है ये डॉक्टर ऐसे नहीं मानेगा। तभी चुड़ैल डॉक्टर की गर्दन पकड़कर हवा में उसे उठा देती है और कहती है, अगर मेरी प्यारी सी गाय को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जल्दी से मेरी गाय को बचा। मैं अभी देखता हूँ गाय को। ये बोलते ही डॉक्टर प्रेग्नेंट गाय का इलाज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद काफी देर बाद उसके बछड़ा हो जाता है। चुड़ैल अपनी सारी गायों की जिम्मेदारी उसे देकर इस दुनिया से खुशी खुशी मुक्त हो जाती है और चली जाती है।